जय गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी के पावन चरणों पर नतमस्तक। बहुत बहुत प्रणाम उनको और आई हुई सारी संगत को। बहुत प्यार वाला जय गुरु जी। और पूरे मंदिर मैनेजमेंट जो भी सेवादार ये सेवा कर रहे हैं कितने महीनों से, ऑलमोस्ट अब एक साल में हो जाएगा, तो उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू। और आप सब ने इतने महीनों से हम सब एक साथ गुरु जी के ऐसे पावन दरबार में हम एक साथ बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं। ये कितने दिन हो गए, कितने महीने बीत गए, पर आप सोचो तो लगता है कहीं हुआ है ये। और इतना आनंद आता है, इतना सबसे ज्यादा जो जीवन का आनंद है वो यही है। मेरे लिए तो यही है, सत्संग सुनना और सुनाना। इससे पढ़ के कोई भी आनंद नहीं देता कुछ भी। जैसे कहते हैं जॉय और ब्लिस जो होती है वो बस यही उसका स्रोत है। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज गुरु जी की वजह से ही हम सस्टेन कर रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं एवरीथिंग। और इससे बढ़ के क्या बात है कि हम लोगों को इस जीवन में, इस जन्म में हमें गुरु जी का सानिध्य मिला या उनकी शरण में हम सब इकट्ठा बैठ सके। सारी संगत को यह ना सोचे कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, तो कभी ना सोचे। आप जब भी मन की आंखों से गुरु जी को देखेंगे आप बहुत करीब पाएंगे। जब भी आप ध्यान में उतरेंगे तो आप गुरु जी आपके पास ही रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने गुरु जी का चोला चोले फॉर्म में दर्शन भी किया, प्लीज आप कभी ना सोचें, क्योंकि गुरु जी ने आपको निराकार हो करके अपने पास बुलाया है। वो और भी बड़ी भक्ति है कि आप उनको देखे बिना इतनी भक्ति कर रहे हैं। वो तो सर्वोच्च कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्ति वही होती है, निराकार। हम लोगों ने तो साक्षात उनका दर्शन किया। पर आप सब धन्य है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं गुरु जी से। और इस दौरान हम लोग इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुने हैं, इतने सत्संग सुने हैं कि किस तरह से नई संगत को गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं और किस इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है। तो मैं आप सबको नतमस्तक करती हूँ उसके लिए। और गुरु जी ऐसे ही हम सबको भक्ति भक्ति का दान देते हैं और शक्ति का दान देते रहे, क्योंकि गुरु जी हमारे लाइफ में है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं आएंगी या हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम सब ये मॉर्टल्स हैं, इंसान ही हैं, तो हम अपने कर्म अपने आप से ही फेस करते हैं और उसमें एंटैंगल होते जाते हैं। और यही सोच करके मैं अब आगे बढ़ती हूँ, अपने कुछ सत्संग आपके बीच सुनाऊंगी। गुरु जी के बारे में तो जितना मैं पीछे जाती हूँ उतनी एक एक यादें अपने आप सामने आने लगती है। और गुरु जी एक्चुअली दिस इज ऑल गुरु जी ब्लेसिंग। वो खुद ही याद दिलाते हैं, कितनी भूली भूली यादें अचानक एकदम सामने कर देते हैं गुरु जी। तो मैं कुछ पल क्षण जो बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गुरु जी की प्रभुता, गुरु जी का महादेव होना, गुरु जी का सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ अंतर्यामी, मतलब everything it shows about Guruji. Because यहाँ पर हम खाली गुरुजी की ही बातें कर रहे हैं। भी अगर मैं कहती हूँ मैं वहां थी तो मतलब ये ना सोचिएगा कि मैं अपने बारे में कुछ पढ़ाई कर रही हूँ। I was just say as it happened, because we are nothing, we are zero. It just we are there because of Guruji's कृपा। गुरुजी जब बुलाते हैं हमारा उसमें कुछ नहीं होता है, it's all Guruji। जब हमारे वो अप टू गुरु जी, आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स, बट मेरी ये थिंकिंग है कि जब हमारे कर्म गुरु जी के हिसाब से उनको लगता है कि अब हमारा टाइम हो गया है, तब वो बुलाते हैं अपने दरबार में। ये उनको लगता है अब इसको समझ में आने लगेगा हम संगत को। पहले अगर वो अपने को रिवील करते मैं भी नहीं समझ में आता। और इस तरह से जब गुरु जी के पास, कई बार मैंने शेयर किया, हम जब 98 में उनका दर्शन किया तो मेरे एक्सपीरियंसेस कई बार मैंने शेयर किया, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी। आगे बढ़ूंगी थोड़ा कि गुरु जी को कैसे सब कुछ मालूम रहता था। तो गुरु जी के दरबार में मैं अपनी बात, मतलब मैं अपनी
जो मेरे अंतर की धारणाएं हैं, जो भावनाएं, वही मैं शेयर करूंगी। तो जब वहां बैठते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भगवान के दरबार में बैठे हैं। देयर वाज नो डाउट फॉर मी। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई अंडरस्टूड हु इज गुरुजी, एंड मेरी कोई उसमें वो नहीं है, दिस इज ऑल गुरुजी। ही व्हाटएवर ही वाज ट्राइंग टू टीच मी, आई वाज जस्ट अब्सॉर्बिंग इट लाइक अ स्टूडेंट। वहां बैठे बैठे गुरु जी बहुत चीजें उन्होंने दिखाई, बहुत चीजें समझाई और बहुत चीजें बताई भी। कभी भी अकेले अपने कमरे में बुला लेते थे, ऑफ संगत दे, ऑफ संगत टाइम, और बहुत चीजें गुरु जी उसमें रिवील करते थे, बताते थे। दैट वाज ओनली फॉर मी, बिकॉज हम सब की एक सोल यात्रा है, जो अप्रोप्रिएट जिसके लिए जो होता है गुरु जी वो उसको उसको ही बताते हैं, तो मैं उसको नहीं शेयर कर सकती। पर गुरु जी वॉज डिवाइन, ही वॉज महादेव, देयर वॉज नो डाउट, देयर वॉज नो डाउट। और आप भी जो डाउट्स है ना, आप हटा दीजिए। अगर आप डाउट्स में कुछ भी सुनेंगे या सुनाएंगे, आप उसका पूरी ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले संगत सत्संग सुनने का नियम सबसे पहले ये है कि आप अपनी बुद्धि हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है। क्योंकि जो जो मैं बताऊंगी, ये दिस इज बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजन, ये खाली भगवान के दरबार में हो सकता है। इट्स ओनली ओनली इन महादेव। महादेव तो कुछ भी कर सकते हैं, तो सृष्टि का आज का शिव पुराण हम सब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितनी कितनी चीजें रिवील हो रही हैं, और जो सारी चीजें हमने गुरु जी के साथ महसूस करी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी। तो ऐसे ही एक दिन गुरु जी के दरबार में बैठे थे, और मैं गुरु जी को बार बार बस उनका खाली दर्शन करना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आता था कि मुझे कुछ मांगना है, कुछ कहना है गुरुजी के आगे। जब भी गुरुजी बुलाते थे, तब जो भी वो पूछते थे मैं बताती थी, पर उनके आगे एकदम ब्लैंक हो जाती थी, शून्य। शून्य कहते हैं कि जैसे यू डोंट हैव एनी अवेलेबल, यू आर नथिंग, यू आर जीरो, वैसी अवस्था हो जाती थी मेरी। एंड आई यूज्ड टू फील कि मैं बस रोती रहती थी। आई वाज सो ग्रेटफुल इन ग्रेटिट्यूड कि मुझे ये इस जन्म में कितना सुंदर मौका दे रहे हैं भगवान, अपने साथ उनके दरबार में बैठना। लगता था हम कहीं बैकवर्ड में, कहीं शिव धाम में बैठे हैं। रियली दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई यूज्ड टू फील। और उनकी तरफ देखती रहती थी। और एक बार बहुत ही शेमलेस इंसिडेंट है, गुरु जी ने मुझे बुलाया और गुरु जी ने मेरे से पूछा, तेरे प्रा का नाम की है? टू टेल मी द ट्रूथ, मुझे पता ही नहीं था प्रा का मतलब क्या है। सो आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैं गुरु जी की तरफ ऐसे ब्लैंक देख रही थी। उन्होंने दोबारा पूछा पंजाबी में, तेरे प्रा का नाम की है? एंड आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड। आई वाज जस्ट ब्लाइंड, आई वाज जस्ट लुकिंग एट गुरुजी, एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड ही सेड, ओए तेरे ब्रदर। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, व्हेन ही सेड तेरे ब्रदर का क्या नाम है, आई वाज टोटली ब्लैंक अगेन। हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू फॉरगेट योर ब्रदर्स नेम? आई जस्ट डिडंट रिमेंबर एनीथिंग। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी फॉर अ सेकंड so intently, and I was just crying. I didn't know anything, like I was not there. I was just, जैसे ये कहते हैं ना, गुरुजी की जोर जो है मन के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, nothing. I just totally, I lost all my consciousness. I was beyond that. And Guruji kept looking at me and he smiled and he said, कोई गल नहीं है, ऐसे ही वो बोले. And तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए, जो जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो आपको अपनी सब्ज नहीं रहती है। सोचिए, एकदम से पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे कि श्री राम जी सामने आ जाते हैं, तो लोग उनको रामायण में पढ़ाते तो लोग अपनी सब भूल बैठते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या कहना है, उनको क्या बाद में याद आता है, अरे ये मांगते वो मांगते, ऐसे ही होता था गुरु जी के दरबार में। तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे और गुरु जी ने मुझे फिर बुलाया। गुरु जी के बगल में एक टेबल होती थी मार्बल की, और गुरु जी हमेशा वहां अपनी घंटी रखते थे, बेल, और सेवादार को उससे बुलाते रहते थे और हाथ में लेके फिजिट करते रहते थे और बार बार अपनी घड़ी देखते रहते थे। ये सारी चीजें हम सारी संगत एक एक मूव गुरु जी का फॉलो करते थे। एंड उसके बाद एक पेन होती थी वहां पर, तो गुरु जी अपने हाथ में ऐसे पेन लिए हुए थे और ऐसे घुमा रहे थे। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, तो अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख दे, देयर वाज अ पेपर। And, मैं बहुत ध्यान करके मैंने सोचा मुझे भूलना नहीं है, you know? So, I
बहुत जोर दिया दिमाग पर एंड आई कुड ओनली रिमेम्बर माई हस्बैंड मोबाइल नंबर. तो मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर उसमें लिख दिया एंड आई सेड जी गुरु जी. एंड गुरु जी ये बात गौर करनी कि उनको सब कुछ मालूम है, वी ऑल नो दैट, बट जब होता है वी आर स्टिल इन ऑ. तो गुरु जी ने उसको पढ़ा एक सेकेंड और कहते हैं ये तो एम पी अंकल का है, मैं तेरे से तेरा मांग रहा हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई रियली वोक अप. आई सेड ओह माय गॉड. मैं फिर ध्यान बहुत ज्यादा अपना नंबर कभी कभी आदमी भूल भी जाता है, गुरु जी के सामने सब कुछ भूल जाते थे. एनीवे बहुत ध्यान करके मैंने उसको एक एक नंबर उसमें लिखा और गुरु जी ने उसको पढ़ा एंड ही सेड हाँ वी चंगा एंड ही केप्ट इट विद हिम. एंड वन डे इन सिंगापुर आई वॉज सिटिंग देयर. जैसे मैंने बताया कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि कुड़िया का ब्याह कर, कुड़िया का ब्याह कर. गुरु जी वॉज लाइक अ ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड सो कंसर्न अबाउट अवर फैमिली, अबाउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो कहते थे तेरी तीन कुड़िया फटाफट ब्याह कर और फारिक हो, फारिक हो. फिर मेरे पास आ, उनको लगता था हमें अपनी पूरी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी है. फिर हम गुरु जी से कहते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसमें उलझे लगते हैं. तो यही गुरु जी बार बार सिखाते थे, तो बहुत कहते थे. तो एक बार जब मैं सिंगापुर गई मैंने कहा गुरु जी बार बार कहते हैं, बहुत शर्म आती है. तो आई वॉज ऑन द कम्प्यूटर, आई हैड जस्ट पुट माई डॉटर्स प्रोफाइल यू नो उसमें और साइट में. एंड एवरी डे आई टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स. बच्चे सब स्कूल चले आते थे, मैं आवर्स एंड आवर्स बैठ के, मेरी आंखें दुखती थी. एंड कंप्यूटर वॉज समथिंग न्यू एट दैट टाइम, दिस वॉज इन 1999, 2001, 2002. I was not into computers at that time. Usme bulky bulky computers hote the and all that. You know, there was a desktop. To usse par baith karke main din bhar dekhti rehti thi. And ek raat hum log bas thode din pehle Guru Ji ka darshan karke Empire State se aaye the aur baithe hue the computer par. Mere husband mere paas baithe hue the aur wo kuch padh rahe the aur main computer par. अब मैं पूरे टाइम कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड को कि गुरुजी बार बार पूछते हैं और इतना एम्बैरेसिंग लगता है. और गुरुजी तो एक पल में क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे मेरी आंखें खराब करा रही हैं गुरुजी. मुझे इतना कंप्यूटर का आता भी नहीं और मुझे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या करा रहे हैं और मैं थक गई हूँ, कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिलता. ऑल दैट आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट गुरुजी. एंड राइट अवे इट वाज पास्ट मिडनाइट और उसी समय मेरी लैंडलाइन बजती है एंड आई पिक अप द फोन एंड इट वाज गुरुजी ऑन द अदर साइड. And he said, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. And I was so scared, क्योंकि I was complaining about Guruji. And I said, जी Guruji, क्योंकि उस समय तो कोई जय गुरुजी कुछ होता नहीं था. And we used to just say नमस्ते to Guruji. And I didn't feel that मैं इतना respect दे पाऊंगी नमस्ते कह के गुरुजी को. तो मैंने खाली जय गुरुजी, मैंने बस जी गुरुजी बोला. तो कहते हैं कि क्या कर रही थी, बहुत कष्ट से उन्होंने बोला. तो I was quiet. Then again he asked me, क्या कर रही थी. I was like so embarrassed कि गुरुजी मैं तो आपके लिए कंप्लेन कर रही थी. I didn't say anything. I said जी गुरुजी. And he understood. So he said a few things about me, whatever needed to be told at that time. And he just put the phone down. अब देखिए उनको कभी भी हमने लैंडलाइन नहीं दिया था गुरुजी को. खाली सेलफोन उन्होंने मांगा था मेरा मोबाइल नंबर. And गुरुजी एक बार नहीं, उन्होंने तीन बार मेरे लैंडलाइन पर फोन किया. एक बार ऐसे ही, इसका बहुत बड़ा लेसन है कि आप हम सबको समझना चाहिए कि गुरुजी हैं कौन. यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग. आप कुछ बताइए गुरुजी उल्टा पता नहीं किस लाइन पर फोन कर देते हैं. उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दैट्स ऑल. दिस इज माय पॉइंट, यू नीड टू बी कनेक्टेड टू गुरुजी. ही नो एवरीथिंग एंड ही हैज टू मेक यू रियलाइज दैट ही नोज इट, सो वी अंडरस्टैंड हु इज गुरुजी. अपने को रिवील करने के लिए भगवान को कितने कितने लीलाएं करनी पड़ती हैं. यही मेरा इसका उद्देश्य था. और फिर एक दिन और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब गुरु को मान लिया है तो बेफिक्र होना चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए प्रॉब्लम से. एंड एट दैट टाइम आई डिन अंडरस्टैंड क्योंकि नए जुड़े हुए थे, इतनी चीजें दिमाग में रहती हैं. तो एक दिन ऐसे ही था, सिंगापुर में बहुत कुछ दिमाग में कुछ चिंताएं बहुत घिरे हुई थी. मुझे उसका कुछ सुझाव नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि किसी से मैं बात नहीं करती थी. जो भी होता था अपने आप करना चाहती थी और प्रे करती थी गुरुजी को. तो अचानक ही गुरुजी का फोन आ गया.
वो भी लैंडलाइन पे, वो भी दिन के टाइम। एंड ही सेड गुरु तेरे साथ है, सब कुछ टेम्पररी है। एंड ही हंग अप, दैट्स इट। कितना बड़ा गुरुजी ने लेसन उस दिन दिया लाइफ का, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। हमारा सुख भी टेम्पररी है, हमारा दुख भी टेम्पररी है। वी आर हियर टू एक्सपीरियंस बोथ, वी कैनॉट अवॉइड। सो ये गुरु जी का कहे हुए शब्द है जो मैं रिपीट कर रही हूँ, सारी संगत के लिए बहुत बड़ी सीख है और लेसन है जो मैं आज इस रूम के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने मुझे कहीं फिर से कई बार याद दिलाते हैं। तो दिस इज वेरी फ्रेश इन माई माइंड, आई वॉन्टेड टू शेयर। एवरीथिंग इज टेम्पररी, वी कैनॉट अवॉइड बैड टाइम्स और गुड टाइम्स। जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट में आएंगे उसको हमें एक समान ही अपनी मनोवृत्ति रखनी है, इक्वानिमिटी रखनी है, बैलेंस रखना है। बहुत अच्छे टाइम में हमें बहुत उछलना नहीं है, अपने मन में संयम रखना है, और जब बैड टाइम्स आए उसमें भी संयम रखना है। चीखना चिल्लाना, रोना गाना, कंप्लेन करना, ये वो, वी लूज आवर एनर्जी। उस टाइम हमें बस गुरु जी से जुड़ना है और प्रे करना है कि वट एवर इज बेस्ट गुरु जी, यू डिसाइड फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, और वट एवर इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। वी कैन नॉट कमांड गुरु जी, वी कैन नॉट इवन आस्क एनीथिंग। कितनी बार ये हम लोगों को ये कहा गया है, मांगो मत मानो। अब तक तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ समा गया है कि हमें मांगना नहीं है, क्योंकि गुरु जी के शब्द हैं, वो कह के गए हैं कि तुझे नहीं मालूम तेरे लिए क्या अच्छा है। हम गलत चीजें मांग लेते हैं, उसका भुगतान करते हैं। सो गुरु जी हमेशा कहते थे मुझे मानो, मांगो मत। वी हैव टू जस्ट सरेंडर आवरसेल्फ टू गुरु जी, और ऐसे हमसे नहीं हो पाता है, हम इंसान हैं। वी हैव टू आस्क गुरु जी फॉर हेल्प, एंड ही विल, बिकॉज ही इज महादेव, ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर हिज भक्त। आप उनको बस ये प्रे करें, गुरु जी प्लीज हेल्प मी टू बैलेंस माय सेल्फ। गुरु जी मेरे से नहीं होता है, दिस इज ऑल वी हैव टू आस्क, एंड ही विल हेल्प अस, ही विल मेक यू सो काम एंड साइलेंट, ही विल कीप यू इन साइलेंस। अगर आपके प्रॉब्लम कुछ चल रही होगी, वो गुरु जी आपको इतना साइलेंस में कर देंगे कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती किसी को। यू आर सो कंटेंट, यू जस्ट इन ब्लिस। तो ऐसे गुरु जी के वो ये तो एक्सपीरियंस मैं सुना रही हूँ, फोन का जो गुरु जी का कुछ कनेक्शन रहा होगा। एक दिन अचानक ऐसा एक टाइम ये भी आया कि गुरु जी के पास वहां बैठे हुए थे बड़े एम्पायर स्टेट में, एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट वॉज बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम। एंड गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ही सेड तू गुरुओं मानती है ना। ऐसे गुरु जी मेरे लिए सब कुछ आप हैं, गुरु जी आपको तो सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। And he said, हाँ। And then he said very firmly, he said, अगर तू गुरुवान मानती है, ता खाली एक जन बरी कर सकता है, या तू बरी कर ले अपना काम कर ले बरी करके, या मैं करूं बरी तेरे लिए, या मैं तेरे काम करूं। दोनों जन बरी करने से कुछ काम नहीं होगा। These were his words to me. He said, only one person can worry. If you believe in your guru, then you don't need to worry. You leave it on your guru. You do. मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाइए गुरुजी करें। You have to do 100%. I would say 110%. Go beyond. Stretch yourself. Do whatever you can in that present situation to get over that. बट वरी करके नहीं, वरी करके हमारी पूरी शक्तियां आप देखेंगे, जब हम वरी करते हैं या सैड होते हैं, हम कितने वीक हो जाते हैं, शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, बस लेटे रहने का मन होता है, बात करने करने, ये नहीं वो नहीं, ऑल दैट नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। गुरु जी ये नहीं चाहते हैं किसी भी संगत को ये एक्सपीरियंस करना। गुरु जी हमेशा चाहते थे उनकी संगत एक्टिवली इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में, सारे काम करे पूरे जोश के साथ करे, खुश होके करे। और जब हम वो करते हैं तो गुरु जी हमें और भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी उस समय हमें नहीं ब्लेस करेंगे जब हमें प्रॉब्लम आएगी, हम चुपचाप रजाई ओढ़ के ले जाएं और रोते रहें, कंप्लेन करते रहें और कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये उसकी गलती से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ऑल दैट कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, वी शुड स्टॉप दैट, बिकॉज हम गुरु जी की संगत हैं। हमें
खुश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ानी है, हमें खुश होकर अपने चैलेंजेस को आगे करना है और पूरी कोशिश करें, अगर ना हो वो गुरु जी की मर्जी है, उस पर भी हमें संतोष रखना है कि उस पर भी हम मन दुखी ना करें। तो गुरु जी का बहुत बड़ा ये तीन लेसन था जो मैं बताना चाहती थी कि किस तरह से गुरु जी ने मेरे को मुझे वन टू वन ये दिया है। खाली मेरे लिए नहीं, हम सारे बेनिफिट कर सकते हैं इससे, सारे संगत के लिए है। टू थिंग्स गुरु जी टोल्ड मी, दैट इज ही टोल्ड मी दैट ये बस तेरे लिए, तो दैट आई कैन नॉट शेयर दोस थिंग्स ओनली फॉर मी बट अदर्स, दिस इज जनरल एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू बेनिफिट। और गुरु जी कहते थे खड़े होकर सत्संग शेयर करो, गुरु जी जो जो कहते थे वो शेयर करती थी मैं, अभी भी जो जो गुरु जी ने कहा हुआ उस समय मुझसे शेयर करने के लिए वही मैं शेयर करती हूँ। जो गुरु जी ने कहा था ये तेरी स्पेशल ब्लेसिंग है, आई कैन नॉट शेयर दैट, आई एम नॉट अलाउड टू। सो ये सारी चीजें गुरु जी ने कहा था शेयर करो। और कहते थे गुरु जी जिथे जा मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर दूजे का भी कल्याण कर। दीज वर हिज वर्ड्स, बिकॉज एट वन टाइम आई वॉज, मुझे ऐसा लगा था मुझे भगवान मिल गए, अब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आई वॉज इन टू दैट फिलोसफिकल मोड, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढ रही थी मुझे भगवान के दर्शन हो। और मैं तृप्त हो गई थी कि अब महादेव जिनकी मैं पूजा करती आई हूँ बचपन से, वो मुझे मिल गए हैं। सो देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके आगे हमें बढ़ना है। तो आई जस्ट केप थिंकिंग इन माई माइंड, पर मुझे मौका नहीं मिलता था। गुरु जी के सामने तो आपकी जबान भी नहीं खुलती थी, क्योंकि भगवान के सामने आप बस उनको बस निहार ही सकते हो और रो सकते हो बस थैंक्स में और ग्रेटिट्यूड में। यू हैव नो वर्ड्स, दिस कंप्लीट साइलेंस बिटवीन यू एंड योर गुरु और योर गॉड और व्हेवर यू बिलीव इन, बिकॉज ये सोल सोल का कनेक्शन। गुरु जी कहते हैं तार से तार मिलनी चाहिए, यू नो, उसी उसके बाद ही चेंज होता है। अगर आप खाली वहां बैठे रहो, देखते रहो, सुनते रहो, लंगर खाओ, दैट इज वेरी गुड, सत्संग सुनते रहो, बट यू मस्ट मेक टाइम फॉर योर सेल्फ टू कनेक्ट विद गुरु जी। आजकल हम कितना सत्संग सुन रहे हैं, इतने जूम हो रहे हैं, ये जूम वो जूम, वी आर ऑलवेज बिजी कनेक्टिंग हियर देयर, सबको सुनते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम उसको याद करते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, कोई बुक बनाई है जिसमें लिखा है, रोज रिवाइज करें। दिस इज लाइक ए लेसन, दिस इज लाइक ए क्लास। ये एक साल की हमारी क्लास थी गुरु जी की, हमने समय क्या पाया वो सब हम लोगों को नोट करना चाहिए। जैसे हम क्लास में जाते हैं, मेन मेन पॉइंट्स हम नोट करते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं। खाली नोट करने से नहीं, वी नीड टू रिवाइज एवरी सिंगल डे, और उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी हमें सिमरन में बैठना पड़ता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल क्लास, यहाँ पे कोई टीचर आपके सामने आके नहीं खड़ा होकर बताएगा। वी हैव टू बी, कहते हैं कि वी हैव टू बी जस्ट अपने आप को ही हम टीचर होंगे, अपने आप को हम स्टूडेंट होंगे, कोई देखेगा नहीं हमें, पर गुरु जी देख रहे हैं ना। तो सिमरन में बहुत जरूरी, गुरु जी बहुत बहुत एम्फसाइज करते थे, और आई कैनॉट टेल यू, यू नो, आप कितनी चीजें आप सिमरन में महसूस कर सकते हैं और कितनी चीजें आप गेन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली टू गुरु जी, आई कैन से दैट मच। आप जितने भी बिजी हो, जितना भी आप सुन लो सत्संग, पर आप एक टाइम निकालो, प्रेफरेबली दे से मॉर्निंग टाइम, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। और इतनी अच्छी वाइब्स होती है, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं, आई थिंक वी ऑल डाई दैट नाइट एंड वी गेट अप एज अ फ्रेश सोल। और जब हम फ्रेश सोल, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कितना हम शेड करते हैं ऑल दैट स्किन, तभी कहते हैं सुबह उठ के नहाना चाहिए, ऑल दैट एनर्जी रात की जो होती है, वी हैव टू टेक इट अप। कितने बार लोग कहते हैं सुबह उठ करके नहाओ, शावन लो, क्यों? ये सब चीजें, ये एनर्जी जो होती है उसको वॉश ऑफ करने के लिए होता है। स्किन भी सब पील ऑफ करता है रात में, हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, पर सटल एनर्जी ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग एट नाइट व्हाइल वी आर स्लीपिंग। रात में जब हम सोते हैं, आप देखते हैं आपके मुंह से कितनी बदबू आती है। सुबह वी हैव टू ब्रश योर टीथ। ऑल दीस आर प्रूवन कि वी आर नॉट देयर, एंड एवरी मॉर्निंग वी गेट अ फ्रेश, वी गेट अ न्यू फ्रेश ऑफ लाइफ, और वो भगवान की देन है। और हमको उसको उस समय बैठ के शुक्रिया करना है, उस समय उनका ध्यान करना है, उस समय वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठते ही अगर 4 बजे हो आप शावर में जाइए, इट्स नॉट, बिकॉज गुरु जी हमारे बड़े प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं बेड पर ही बैठ के हमें याद कर लो, कहीं पर भी, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं। बट अगर यू कैन, इफ यू कैन,
कॉज, इट्स ऑल अप टू अस. गुरु जी ने इजी कर दिया है, उन्होंने बस यही कहा है कि मेरे लिए टाइम निकालो और मेरे से जुड़ो. दैट इज ऑल हिज वर्ड्स एंड वट एवर ही हैज टोल्ड अस. मैं डायरेक्टली वही चीज बता रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है. मैं गुरु जी माफ करें, गुरु जी इज ऑलवेज देयर. वट एवर आई शेयर गुरु जी, you know, he, I have to face Guruji also. So never think ki main apne man se kuch bana ke bol rahi hu. It is all that had happened between Guruji and us, and these were his words. And he told me one day, ek baar Guruji ke saath jab main share kar chuki hu ki Guruji ne kaha tha mere se aaj se baat nahi karna, mujhe tere bare mein sab kuch malum hai. And I didn't understand. मैंने कहा कैसे पता गुरुजी, तो इतनी बातें करते थे, बहुत पूछते थे, और मैं I was look forward to going to Guruji's darbar and talking to him and sharing everything. And I that was my connection with Guruji at that time. Maybe that was the phase he wanted us to. He wanted me to be go through another stage, and I was not ready. So I started crying. I said, Guruji, कोई गलती हो गई? And he said, नहीं. आज के बाद हम बात नहीं करेंगे. तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है. आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे एंड टेलीपैथी से बात करेंगे. दिस वर हिज वर्ड्स एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड. टेलीपैथी मुझे नहीं मालूम गुरु जी कैसे. तो देन ही एक्सप्लेन इट टू मी. ही टोल्ड मी जब तू सिमरन में बैठती है ना, लाइक अ टीचर ही केम टू माय लेवल टू मेक मी अंडरस्टैंड. आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. एंड दिस वर हिज वर्ड्स. ही सेड जब तू सिमरन में बैठती है उस समय जब मेरे से कनेक्ट होगी, जब समाधि में चली जाएगी. माइंड जो सिमरन में बैठना, ये नहीं कि आप आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो और फोन पास में है और बार बार देखते रहो. आई मीन प्लीज डोंट जस्ट वे ट्राइंग टू फूल आवरसेल्फ्स. दे हैव टू बी अवे फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स. एवरीथिंग पुट एवरीथिंग अवे एंड थॉट्स भी धीरे धीरे वो गुरु जी ही हेल्प कर सकते हैं हमें. इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. We have to pray to Guruji to go to that level really. हमारे पास नहीं है. तो गुरुजी कहते थे जब एकदम शून्य, जब तू जीरो हो जाएगी, जब समाधि में बैठेगी, उस समय मैं तुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा. These were his words. And it is always attainable to every sangat. ये कोई ऐसा नहीं है कि क्यों लोगों के लिए ही है. आप सबके लिए है, सबके लिए है, everybody. That's why I would like each sangat to benefit from this. इस संगत स्पेशली ये इस टाइम में जब हम इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, हम और डीपली कनेक्ट हो सकते हैं गुरु जी से. और अगर हम ये आदत अभी से डाल लें तो जितने भी बिजी होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता है. चलते चलते भी हम ध्यान में जा सकते हैं. यू नो नथिंग इज बॉदर अस. तो जिस गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं, और फोन की बात करें तो उस समय गुरु जी के इतने फोन आते थे. आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स इट यूज़ टू हैपन. एंड गुरु जी यूज़ टू वेरी ह्यूमरस थिंग. एक बार मैं गुरु जी के दरबार में गई और मेरे कहा आंटी वहां बैठी रहती थी, मेनका गांधी आंटी. और गुरु जी पता नहीं क्यों क्या हमारा कनेक्शन था. गुरु जी कहते थे ये तेरी सहेली है, बैठ इन्हों समझा, इन्हों बात कर, इन्हों अपना सत्संग सुना. एंड गुरु जी हैड ऑल्सो सेंट हर टू सिंगापुर एंड सेड टू हर दैट उषा आंटी नाल एक पूरा दिन स्पेंड करना है. सो शी हैड कम. And she was just a sangat. I mean, it's not that she's, I mean, kuch bhi jitne log hote the, we are all equal in Guruji's sangat. We are the same. We are Guruji's bhakt. So, aise ek baar jab pahunchi to Guruji, she started saying ki, you're here again? You were just here, you again? And I didn't like it. I said, you know, I come from a god. And then she says, why do you come so often? And I sat down because Guruji kehte the in samjha. So I sat down and I told her, I said, you know, I come here for my gods. Unko dekhne aati hu, darshan karne aati hu. You know, I don't ask anything. I don't talk to Guruji. Sometimes we don't even utter a word and we just do darshan and we go back. That is my relation with my Guru. Then I asked her, I said, why do you come? And she said, I don't know. I said, well, we all should think why we come here. Then she told me later, she said, I thought about it. I find it very peaceful. I said, see, you get something. Everybody is getting something. That's why we are here. And we became good friends. We used to share so many things. And एक टाइम उन्होंने मेरे से कहा कि आपको मालूम है गुरुजी, तो टाइम को उनको पता नहीं रहता. अचानक ही आपके यहाँ तो रात होती है,
तो दिन में बैठे रहते हैं, तो आई नो यू ऑल मस्ट बी स्लीपिंग, इट्स पास्ट मिडनाइट एंड गुरुजी सेज उषा आंटी ने फोन लगा, उषा आंटी ने फोन लगा एंड आई टेल गुरुजी नो गुरुजी वो अभी सो रही होगी. एंड देन आई हर्ड दैट आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड प्लीज डोंट डू दैट. फॉर मी गुरुजी इज एवरीथिंग, गुरुजी इज गॉड, ही इज द अटमोस्ट फॉर मी, प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स. Whatever time Guruji says, please don't come in between Guruji and me. Please don't say ki main so rahi hu. I mean, he's awakening my soul. You don't even understand. Main to us din bahut roi thi and I personally told Guruji, Guruji, aapka jab ji kare na, aap please mujhe phone kar liya karo. Main uthke aapse baat karungi. You know, that is my most precious time with you, Guruji. And it was happening like that. And one day, as we all know, that Guruji left his chola. And before he left his chola, it was 2007 March, after Mahasamad, after Mahashivratri, we had just met Guruji and he came back and my husband was very sick and he was diagnosed with something really bad and unki surgery honi thi. And all that was happening and again, I remember the date even when Guruji called. It was like 28th of March, 2007. That was the last call in physical form that I received from Guruji. And I was very worried because my husband was in ICU, going through septicemia. All his organs were failing him. It was a very delicate situation. My daughters were there with him and I was home with my son. And गुरुजी ने उस समय छोटे स्वरूप होते थे, छोटा से स्वरूप साइन करके दिया था. आई फील लाइक आई एम क्लोजर टू माय गुरुजी. आई यूज्ड टू जस्ट होल्ड इट सो टाइट टू माय चेस्ट. आई वाज सिटिंग द होल नाइट, इट वाज अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock एंड माय फोन अगेन रैंग. उस समय तो देखिए हमने इंडिया का नंबर दिया था गुरुजी को मोबाइल का. गुरुजी ने मेरे यूएस के नंबर पर फोन किया, सेल नंबर पर. आई हैड नेवर गिवन हिम दैट नंबर. We had just moved here 2006. And Guruji called and he said, "Main Guruji bol raha hu." Again, I got up. I said, "Ji Guruji." And I started crying again. Guruji ki awaaz sun ke hi rona aata tha. Pata nahi kyun. Itna apnapan, itna pyar. Jab aap kisi se karte ho, to aansu hi nikalte hain. Chahe sukh mein ho, chahe dukh mein ho. And he just, Guruji said, "Tu chinta na kar. Tera guru tere naal hai." And these were the last words he told. I have heard in my ears, it keeps ringing over and over. Guruji, body form mein nahi hai, but those were his last words to me. And uske baad mujhe koi chinta nahi hai, kyunki Guruji mere naam hai. And whatever he has had to say, he told me what I have to do for uncle. I did that. And uncle was totally fine. And uske baad, unki heartbeat kaise 34 se Guruji ne 72 kar diya. Just by saying it, that's it. Kaun hai Guruji? गुरुजी इज भगवान, गुरुजी इज महादेव, वैद्यनाथ, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है. वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिल रहा है गुरुजी की स्तुति करने की, सुनने की. एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया एंड आई वाज लॉस्ट. आई सेड अंकल की सर्जरी होनी थी, इट वाज नवंबर 2007 एंड गुरुजी वाज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म एंड आई वाज मिसिंग गुरुजी टेरिबली. बिकॉज जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, बगैर बताए अपने आप गुरुजी फोन करते थे, फिजिकली फोन करते थे. आई नेवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, बट गुरुजी न्यू एवरीथिंग एंड ही टू रीच आउट एंड टॉक टू मी एंड गिव मी डायरेक्शंस. एंड एट दैट टाइम आई वाज मिसिंग डियरली टू गुरुजी. आई सेड गुरुजी आप कहाँ हो, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप मेरा कोई भी नहीं गुरुजी. आई वाज मिसेबल एट दैट टाइम. एंड वन मॉर्निंग राइट एट 4 o'clock आई हैड vision of Guruji. Guruji was in some mountainous area and me Guruji ke piche khadi hui baithi hu and hum dono akele hain and Guruji haath se yun karte hain aur silver ki glass Guruji create karte hain aur usme kuch rehta hai, mujhe nahi malum kya hai. And Guruji takes a sip and he turns around and he asks me to come to him forward and I come to him and then he just gives me the glass and says, "Ye pila." पंजाबी में कहते हैं पीला, ये तेरे लिए अंकल के लिए, तेरे थ्रू में ब्लेस कर देता. एंड एज आई एम ड्रिंकिंग दैट्स अमृत फुल ऑफ गुरुजी फ्रेग्रेंस, मिलियंस ऑफ फ्रेग्रेंस जैसी होती है ना, वैसी फ्रेग्रेंस.
And as I'm swallowing, I get up and I can feel that fragrance, and that I'm swallowing that amrit, I can still feel it when I woke up. And I was crying and I was saying, Guruji, thank you, thank you, thank you. उस समय भी जय गुरु जी नहीं होता था. आई जस्ट केप्ट सेइंग गुरु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आई जस्ट वाज क्राइंग एंड माय हस्बैंड वोक अप, सेड क्या हो गया तुमको. आई सेड गुरु जी ने आके ब्लेस कर दिया, यू विल बी टोटली फाइन, योर सर्जरी विल बी फाइन. एक्सप्लेन टू हिम व्हाट हैड हैपेंड. किस तरह से गुरु जी, इवन ही हैड लेफ्ट हिज चोला, ही स्टिल केम एट दैट टाइम व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट. एंड ही टोल्ड मी एंड ही गेव मी अगेन द डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शंस. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. Nothing has changed. And so many times, so many sangat you have heard, kis tarah se Guruji aaj bhi aate hain aur aapko bata ke jaate hain. Aur abhi bhi, everything is happening per his wish. Everything. Maine dekha hai ki Guruji ke bahut ajeeb days hote hain. Whenever I try to be in complete silence or in prayers, Guruji makes me share on this platform. Aaj bhi main yahi soch rahi thi ki Guruji kahi sandesh hai. Aaj se jab call aaya, I knew this is Guruji, because my mom is very critical. He is in ICU. Doctor is just saying that we have to wait till morning. Up to raat hai wahan. Kehte hain subah pata chalega how she is reacting to this new medicine. And as soon as I woke up, of course India mein calls hoti hain. I was, and then when this call came, I said, this is all Guruji's. I know that he always does this. Whatever the outcome is, Guruji is in command. I've never asked him anything. The day he told me, don't ask me anything, मैंने कभी भी नहीं मांगा उनसे. गुरुजी का हुक्म जितना हो सकता है मेरे जी जान से मैं ट्राई करूंगी उनके हुक्म पर चलना और उनकी बातों पर चलना. गुरुजी हिम्मत दें, शक्ति दें, अपनी भक्ति दें. That's all I ask him. And right now, while I'm sharing, I feel so much energy in me that in the morning I was drained out, to tell you the truth. When it comes to your parents, you know, it's very hard to take it. We are human. But when God takes over, when Guruji takes over, he fills you up with his own energy, with his own vibrations, beautiful vibration, with the understanding that he is in charge. अभी भी जैसे गुरु जी का फोन आता था वैसे ही मुझे लगता है गुरु जी ने खुद मुझे इस फोरम पर आज इन्वाइट किया है. एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. आई होप यू नो आई हैव यू नो done justice to Guruji's shan, and jo jo Guruji chahte the wahi maine share kiya hai. And aap sabko bahut bahut Guruji ki blessings. I'm sending lot of love to each one of you. Sare sangat ko Guruji yuhi bless kare aur sabke gharon mein sehat dein Guruji, barkat de, sabko khushhali dein Guruji, aur apne se jode rahe Guruji, apni bhakti apni shakti hamesha apni sangat pe basate rahe Guruji. यही दो चीजें जो हम आपसे मांग सकते हैं और हम आपको अपना टाइम दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं. यही दो चीज हम आपको दे सकते हैं जो हमारे वश में है. गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शंकर एंड होल टीम हु इज डूइंग सच ब्यूटीफुल जॉब. आई नो गुरु जी करवा रहे हैं, बट गुरु जी मेक्स यू मीडियम एंड वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी.